بسم الله الرحمن الرحيم. حاضرين مجلس قابل عزة واحترام، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور میرے بیٹوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کی طرف سے آپ پر سلامتی ہو اور آپ کی زندگی میں وہ تمام نعمتیں آپ کو ملیں، میسر آئیں، آپ انہیں استعمال کریں جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر پیدا کی ہیں۔ ہم سب آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ ہمارے دادا، نانا، بھائی، بہن، جتنے بھی رشتے ہیں، وہ رشتے شروع ہوتے ہیں آدم و حوا سے۔ اس کی تفصیلات آسمانی کتابوں اور قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو بھائی، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نانا دادا، ہر رشتے سے میرے بڑوں کہ ذہن میں یہ بات محفوظ رہنی چاہیے کہ ہماری نسل کے سرپرست اعلی حضرت آدم اور حضرت حوا ہیں۔ اس رشتے سے ہم آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو علوم عطا فرمائے، جو قربت عطا فرمائی، جو ہمیں رزق عطا فرمایا، ہمیں نیند کا تحفہ دیا اور ہمیں دادا نانا بنایا، اس رشتے سے ہم سب آپس میں بہن بھائی ہیں۔ اور ہمارے جد امجد، ہمارے بڑے اور ہماری نسل کے سب سے بڑے افراد دو ہیں، آدم اور حوا۔ اب کہیں گرمی بہت زیادہ ہوئی، تپش بہت ہوئی، وہاں رنگ کالے ہو گئے، گرمی کم ہوئی، برف باری ہوئی، موسم ٹھنڈا رہا، وہاں رنگ گورا ہو گیا، سرخ ہو گیا، سفید ہو گیا۔ یہ موسم کے لحاظ سے رنگوں میں تبدیلی واقع ہوئی۔ اب لندن کے رہنے والا کوئی بندہ، میرا بھائی بھی ہے اور میرا تایا بھی ہے، میرا چھوٹا بھی ہے، میرا بڑا بھی ہے، اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے نظام کو لوگوں نے زمین میں دانہ ڈالا، نئے نئے درخت اگائے، نئی نئی اجناس بنی، اور
इस रिश्ते को निभाने के लिए गर्मी सर्दी और अल्लाह ताला की दी गई नियमतें अल्लाह ताला ने पैदा की, और ये सब नियमतें हमें मुयस्सर हुई जन्नत में। जन्नत में ये सारी नियमतें हमें मुयस्सर हुई। जन्नत में आदम और हव्वा रहते थे, वहां अल्लाह ताला ने फरमाया कि सारी जन्नत तुम्हारी है, इसमें हर शय तुम्हारी मिल्कियत है, इसमें फुहारे, इसमें नहरें, शहद की नहरें, बर्फ की पानी की ठंडी ठंडी पानी की तरह नहरें वगैरह वगैरह सब जो है ये तुम्हारे लिए हैं और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बनाए। शर्त सिर्फ एक है, वो शर्त ये कि एक जन्नत में लाखों दरख्तों की मौजूदगी में एक दरख्त है, बस इसके करीब नहीं जाना। करीब अगर आप जाओगे तो करीब जाने से यकीन की जगह इल्यूजन पैदा हो जाएगा, आपके अंदर शक पैदा हो जाएगा। आपके अंदर जो यकीन अल्लाह ताला ने दिया है, दाखिल किया है, उस यकीन में दरार आ जाएगी। और ये जन्नत ऐसा मकाम है कि यहां जो भी आबाद होगा या जो भी आबाद है, जरूरी है उसके लिए कि वो अल्लाह ताला की हुक्म हुदूदी ना करे, जो कुछ जिस तरह है उस तरह उसको समझे और अल्लाह ताला की किसी भी तरह ना फरमानी ना करे। आप सब औलाद जानते हैं, इसलिए सब आदम के औलाद हैं कि इसमें इसकी ना फरमानी हुई, और उस नाफरमानी की बुनियाद ये हुई कि उस दरस में जो बुनियादी शय है, ये बुनियादी अंसर है, ये बुनियादी उसकी मार्फत है, वो है उसका रंग बदलना। रंग बदलने का मतलब, अभी मैं देख रहा हूं कि सामने सुख रंग है, सुख रंग की अभी मैं तारीफ भी पूरी नहीं कर पाया तो नीला रंग हो गया। नीले रंग को मैं अभी देख ही रहा था तो सब्ज रंग हो गया। मकसद ये है कि उस दरख्त में अल्लाह ताला ने कोई ऐसी सिफत रखी है कि वो दरख्त खामा वक्त अपना रंग तब्दील करता रहता है। जब रंग तब्दील हुआ तो आदम ने कहा ये नीला रंग है, और फिर जब नीला रंग सफेद हुआ तो ख्याल आया ये सफेद रंग है। जब सफेद रंग गुलाबी हो गया तो कहा नहीं, ये सफेद नहीं गुलाबी है। नतीजे में इतनी ज्यादा रंगों में तब्दीली पैदा हो गई कि आलम अलैहिस्सलाम
इस शक और शुबे में, शक और शुबे की तरफ उनका जहन गया कि नहीं ये काला है, थोड़ी देर में ये नहीं है सुर्ख है, नहीं ये सुर्ख नहीं है, ये तो सब्ज है, सब्ज नहीं है भाई, ये तो काला है। तो इस बात में कि ये रंग मुख्तलिफ है, उसके अंदर से यकीन में तब्दीली आ गई, दरार पड़ गई। कभी कहा ये सुर्ख है, कभी कहा ये नीला है, कभी कहा ये, आप गौर करें दुनिया की हर चीज, आप उसको अच्छा भी कहते हैं, आप उसको बुरा भी कहते हैं, आप उसको खूबसूरत भी कहते हैं, आप उसको बदसूरत भी कहते हैं, आप उसकी तारीफ करते हैं तो आप उसकी बुराई भी करते हैं। ये सारा इल्यूजन का खेल जो है, ये जिस तरह दुनिया में मौजूद है, यही सूरत हाल क्या एक दर्श के 60-70 रंग मुस्तकिल आपस में तब्दील होते रहेंगे तो आपका यकीन एक रंग पर कायम रहेगा? तो एक ही बात आप सब हजरात फरमाएंगे, नहीं। इसलिए कि हर रंग अलग है, हर रंग के अंदर शोखी अलग है, हर रंग के अंदर चमक अलग है, हर रंग का जो तासुर दिमाग पर इंसान के पड़ता है वो अलग है। सूख रंग को अगर आप मुसलसल देखते रहें, तजर्बा कीजिए, तो आपका दिमाग सुन हो जाएगा और आप वहां से हट जाएंगे। और अगर सूख रंग के कमरे में किसी को मुस्तकिल चंद दिनों के लिए रख दिया जाए तो हो सकता है कि उसके दिमाग में फुतूर पैदा हो जाए। तो जब ये शक उदर आया और रंग की तारीफ नहीं रही, मतलब सुरख को उन्होंने कहा वाह बस बस ये सुरख है, अभी वो कहता नीला है, नहीं 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 नीला नहीं, ये तो हरा है, नहीं हरा नहीं, तो ऐसी सूरत में आपके अंदर, आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपकी बुद्धि में यकीन की दुनिया रोशन होगी या उसमें शक और वसवसा पैदा होगा। मैं फकीर आदमी हूं, मेरा ईमान तो यह है कि जब बेशुमार रंग आपस में तब्दील होंगे तो हम रंगों की तारीफ बयान नहीं कर सकेंगे। ये तो हम कह सकते हैं कि रंग तब्दील हो रहे हैं, लेकिन उस रंग का कोई एक नाम नहीं रख सकते। ये एक जन्नत में जो कुछ हुआ, जो मेरे बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं, जन्नत में से हमसे नाफरमानी हुई, ये सबको पता है, हम दुनिया में आ गए सजा के तौर पर। अब यहां नहीं कि दुनिया में किसी एक चीज के ऊपर आप
नजर जमाइए, इस सदा के पलक न झपके और आंख का डेरा जो है वो हिले नहीं, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में आप तजर्बा कीजिए इसका, आपके जहन में रंगों के अलावा बहुत सारी तस्वीर आ जाएंगी। इसका तजर्बा कीजिए, आप ये नहीं कह सकते कि ये तिल है, सफेद तिल है, आप तजर्बा कीजिए। ये क्या कहते हैं तसव्वुफ, रूहानियत जो है ये उसका एक बिल्कुल पहला वो है कि आप मेज पे कोई एक रंग देख लीजिए जिसमें चमक भी हो, वो 3-4 फुट के फासले पर बैठ जाइए और उस रंग को देखिए इस तरह कि आपकी पलक न झपके और 5 मिनट के बाद आप कागज कलम लेके वो सारी कैफियत लिख लीजिए जो आपकी नजरों के सामने तब्दीलियां हुई हैं, जो आपकी नजरों के सामने कभी दरख्त बन गया, कभी हैवान बन गया, कोई कभी आसमान बन गया, कभी सितारा बन गया, ये तजर्बा कीजिए। ये रूहानी एक मिसाल है। तो वो रंगदार दरख्त जो मुसलसल रंग तब्दील कर रहा है जन्नत में, जिसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया था कि इस दरख्त के करीब नहीं जाना, आदम इस दरख्त के करीब गए और जब उन्होंने रंगों का अदल बदल देखा तो उनके अंदर एक किस्म का यकीन के अंदर थोड़ी सी दरार आ गई कि नहीं ये सुरख नहीं है, ये तो नीला है। अब थोड़ी देर उसने और देखा तो कहते ये नीला नहीं है, ये तो सुरख है। मेरे बहुत ज्यादा मोहतरम दोस्तों, हर मजहब मिल्लत के बहनों भाई हो, आप बताइए क्या ऐसी सूरत में हम यकीन से कह सकते हैं कि ये कौन सा रंग है? इसका आप तजर्बा कीजिए और तजर्बे के बाद जो कुछ आपके सामने स्क्रीन पर नजर आए, अब वो जो आपके पास छोटा सा वो रखा हुआ है वो आपकी स्क्रीन बन जाएगा बड़ी, उस पर जो कुछ आपको नजर आए वो याद रखिए और याद रखने के बाद कागज पर लिख लीजिए कि पहला रंग ये था और फिर मैंने 50, 60, 20, 10 रंग तब्दील देखे और वो रंग जब तक मेरी पलक नहीं झपकी, आंख का डेरा और इसके अंदर तिल हिला नहीं, रंग कायम रहा। जैसे ही वो हिला, डेरा हिला, उसमें तिल भी हिला, तो रंग गायब हो गए सारे। क्यों क्यों गायब हो गए? और आपने और ज्यादा मश्क की तो वो शय जिसको आपने रंगीन किया हुआ है वो शय गायब हो जाती है। ये तसव्वुफ का पहला सबक है। आप
सब हजरात, सब अल्लाह के बंदे, सब आदम अव्वा की औलाद है। बस हमें ये करना है, हमें ये करना है कि एक रंग को एक ही रंग रहने देना है। जो मुमकिन इस तरह है कि आप पलक नहीं झपकेंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मैं आप सब हजरात को सलाम करता हूँ और वहाँ तमाम मेरे बुजुर्ग की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज करें और मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। जितने यहाँ बुजुर्ग हैं सबको सलाम, और जो कुछ मेरे मुर्शिद ने, मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है वो मैं अल्लाह की तमाम मखलूक इंसान को जहाँ तक मुमकिन हो पहुँचा सकूँ। आमीन या रब्बुल आलमीन।